अजमेर शहर में नशे के कारोबार की रोकथाम के लिए एसपी कुंवर राजदीप के निर्देश पर विभिन्न थाना अधिकारियों द्वारा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी दौरान पहाड़गंज पुरानी चुंगी पानी की टंकी के पास मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दबिश दी, जहां अवैध शराब परिवहन करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। इसमें रामगंज थाना पुलिस ने 25 पेटी देशी शराब के साथ मारुति को जब्त कर लिया है। वहीं कार चालक फिरोज को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। आरोपी द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्र में शराब की सप्लाई की जाती है। आज दिन में मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि धोलावाटा की तरफ से एक DL नंबर की जैन गाड़ी है, जिसमें अवैध शराब भरी हुई है, जो सप्लाई करने के लिए भगवानगंज की तरफ आएगी। इतला पर भगवानगंज चौकी इंचार्ज मुकेश और चौकी के जाब्ते ने पुरानी चांदमारी के पास में जाकर नाकाबंदी की। नाकाबंदी के दौरान एक DL नंबर की जैन कार को डिटेन किया। डिटेन करके उसकी तलाशी ली गई तो 25 पेटी अवैध देसी शराब की कार के अंदर भरी हुई पाई गई। कार चालक है जो फिरोज देशवाली नाम का लड़का है, जो घूगरा का रहने वाला है, वर्तमान में JP नगर मदार गेट में रह रहा है। उक्त शराब को जब्त करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इस संबंध में विस्तार से पूछताछ की जा रही है।